Student, today we see the topic that is the frequency modulation definition, modulation index in FM, deviation ratio in FM and bandwidth in FM. Means ये जो parameters है ये सब frequency modulation that is FM के हैं, definition, modulation index, deviation ratio and bandwidth. Okay, so see one by one topic. The first is the definition of frequency modulation. It is the techniques of modulation in which frequency of carrier is varied in accordance with the amplitude of modulating signal. Okay, ये जो टेक्निक है आपकी मॉडुलेशन की, जो कि फ्रिक्वेंसी ऑफ कैरियर क्या करती है, वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द एम्पलीट्यूड ऑफ मॉडुलेटिंग सिग्नल. ओके, मीन्स क्या है, जो भी फ्रिक्वेंसी ऑफ कैरियर है एफ सी है, वो कैसे वेरी होता है, अपने मॉडुलेटिंग सिग्नल एम्पलीट्यूड के हिसाब से वो वेरी होगा. ओके, सो दिस इज द कॉल्ड एज द फ्रिक्वेंसी मॉडुलेशन. ओके, सो सी द नेक्स्ट, दिस इज द वेव फॉर्म ऑफ फ्रिक्वेंसी मॉडुलेशन. द फर्स्ट वन इज द मॉडुलेटिंग सिग्नल. ओके, ये किसकी है, आपकी मॉडुलेटिंग सिग्नल की वेव फॉर्म है. और जो ये सेकेंड है आपकी, इसमें क्या दिख रहा है आपका, दैट इज द फ्रिक्वेंसी मॉडुलेशन. अभी इसमें फ्रिक्वेंसी मॉडुलेशन क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा आपका, फ्रिक्वेंसी रेंज नहीं होगी. ये पोर्शन में क्या है, फ्रिक्वेंसी रेंज नहीं है. ओके, बाद में क्या हो रहा है, जो भी पॉजिटिव साइन वेव रहेगी ये, वो पोर्शन में क्या रहेगी आपकी, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसीज रहेगी. ओके, बाद में जो पोर्शन आएगा दैट इज निगेटिव, ये पोर्शन में आपकी क्या होगी, मिनिमम फ्रिक्वेंसी रहेगी. मीन्स यहाँ पे देखो, मिनिमम फ्रिक्वेंसी में क्या हो रहा है, फ्रिक्वेंसी वेरीज इन प्रोपोर्शन विद द मॉडुलेटिंग वोल्टेज. यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी क्या हो रही है, यहाँ पे वेरी हो रही है, वो किसके हिसाब से वेरी हो रही है, मॉडुलेटिंग वोल्टेज के हिसाब से वो वेरी हो रही है. ओके, और ये जो यहाँ पे जो है आपका, देखो यहाँ पे ज़्यादा जो है आपकी वेव फॉर्म है, ठीक है, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी है आपकी, वो क्या हो रही है, मिनिमम फ्रिक्वेंसी हो रही है, और यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्वेंसीज कम टाइम में आ रही है. यहाँ पे साइन वेव्स ज़्यादा आ रही है ना, और यहाँ पे क्या हो रही है, साइन वेव्स एक इसमें कम आ रही है. ओके, सो दिस इज़ द वेव फॉर्म फॉर फ्रिक्वेंसी मॉडुलेशन. ओके, सो सी द नेक्स्ट, दैट इज़ द मॉडुलेशन इंडेक्स ऑफ फ्रिक्वेंसी मॉडुलेशन. अभी मॉडुलेशन इंडेक्स का फॉर्मूला है, फ्रिक्वेंसी डेविएशन अपॉन मॉडुलेटिंग फ्रिक्वेंसी. ओके, उसको ही हम लोग बोलते हैं मॉडुलेशन इंडेक्स इन फ्रिक्वेंसी मॉडुलेशन. क्या डिनोट करते हैं, एम एफ. उसका फॉर्मूला है डेल अपॉन एफ एम. ओके, सो डेफिनेशन क्या है आपकी, मॉडुलेशन इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फ्रिक्वेंसी डेविएशन टू मॉडुलेटिंग फ्रिक्वेंसी. ओके, और अभी ये परसेंट ऑफ मॉडुलेशन है, परसेंट ऑफ मॉडुलेशन क्या होगा, फॉर्मूला है एक्चुअल फ्रिक्वेंसी डेविएशन अपॉन मैक्सिमम अलाउड फ्रिक्वेंसी. ओके, सो द डेफिनेशन क्या बनेगी अपनी परसेंट ऑफ मॉडुलेशन की, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एक्चुअल फ्रिक्वेंसी डेविएशन टू द मैक्सिमम अलाउ फ्रिक्वेंसी. ओके, सो इन दिस वे वी डिफाइन द मॉडुलेशन इंडेक्स एंड परसेंट ऑफ मॉडुलेशन. ओके, सो सी द नेक्स्ट, नेक्स्ट इज द डेविएशन रेशियो. ओके, अभी ये डेविएशन रेशियो का भी फॉर्मूला है क्या, मैक्सिमम डेविएशन अपॉन मैक्सिमम मॉडुलेटिंग फ्रिक्वेंसी. उसको ही जो है फॉर्मुलेशन में क्या लिख सकते हैं, डेल्टा मैक्स अपॉन एफ एम मैक्स. तो आपका डेफिनेशन क्या बनेगा, डेविएशन रेशियो इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डेविएशन टू द मैक्सिमम मॉडुलेटिंग फ्रिक्वेंसी. जो भी डेफिनेशन है आपको, ये सभी आपको फॉर्मूले के हिसाब से ही लिखने हैं. ओके, सो नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है आपकी बैंडविड्थ ऑफ फ्रिक्वेंसी मॉडुलेशन. बैंडविड्थ ऑफ फ्रिक्वेंसी मॉडुलेशन में, बैंडविड्थ ऑफ फ्रिक्वेंसी मॉडुलेशन में क्या है आपका, ये बैंडविड्थ की डेफिनेशन है. देखो, बैंडविड्थ ऑफ फ्रिक्वेंसी मॉडुलेशन
is defined as the twice of addition of deviation frequency and maximum modulating frequency. Okay, means bandwidth ka formula ka hai, kya hai? Double the deviation, frequency deviation and maximum modulating frequency. इन दोनों का एडिशन है, ओके, और इसका ट्वाइस है, ओके. सो इन दिस वे वी फॉर्म, वी डिफाइन द बैंडविड्थ, ओके. सो टुडेज टॉपिक विल बी ए. सो थैंक यू वेरी मच.